आज हम ओमेगा का बर्निंग प्रोसेस जो रखा गया है वो आप सभी के सामने लेकर के आए हैं, यानी बाईबैक और बर्निंग का प्रोसेस रखा गया है ओमेगा नेटवर्क में। अगर आप सेम कंडीशंस में देखते हैं कोर के केस में, तो कोर के केस में आपको बाईबैक और बर्निंग का प्रोसेस कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बाईबैक का प्रोसेस बिल्कुल भी कोर में नहीं रखा गया है। लेकिन ओमेगा में बाईबैक का प्रोसेस, यानी इनकी तरफ से बाई किया जाएगा जो कॉइन, उसको बर्न कर दिया जाएगा, तो ये प्रोसेस रखा गया है। साथ ही साथ अब हम आप सभी के रिगार्डिंग जो आपने यहाँ पे बाई किया है कॉइन, उसका भी प्रोसेस आपको बताएंगे। KYC रैंडमली कैसे कैसे यहाँ पे आपको मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे, यानी जिनको नहीं मिला है, तो इन क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे। सीधे चलेंगे टॉपिक पे। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, फटाफट से कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ओमेगा की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे हम आपको सबसे पहले जानकारी ओमेगा की जो भी आती है वो प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे एक यूजर के द्वारा क्वेश्चन किया गया था, सर आई वाई ओमेगा टोकन प्री सेल बट नॉट रिसीव इन माई ट्रांजेक्शन हैस, यानी इनकी तरफ से कहा गया था कि कॉइन हमको रिसीव नहीं हुआ है, हमने ओमेगा में जो यहाँ पे प्री सेल रखा गया है उसमें हमने बाई किया है। लेकिन आप सभी सोच रहे होंगे कि हम भी यहाँ पे बाई कर ले, तो देखिए ओमेगा का जो भी यहाँ पे सिस्टम रखा गया है एक हार्ड सिस्टम है, यानी जो यहाँ पे USDC का सिस्टम रखा गया है, इसकी जगह ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कहीं भी, जैसे PancakeSwap ऐसे कोई भी एक्सचेंज होता और उस पर वहाँ पे बाई सेल चल रहा होता, तो यूजर्स ज्यादा वहाँ पे बाई कर सकते थे। लेकिन हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमको रिसीव नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ओमेगा की तरफ से सेम कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और कहा गया है ही वी विल सेंड टू यू बिफोर लिस्टिंग, यानी ये कहा गया है कि जैसे ही हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग करते हैं, ठीक उससे पहले आपका जो कॉइन है, यानी जो भी आपने यहाँ पे बाई किया है, वो आपको यहाँ पे हम सेंड कर देंगे। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो आपका मेटामास्क वॉलेट है वो आपका कनेक्ट है, तो उसी वॉलेट में आपका कॉइन रिसीव हो जाएगा। क्लेम का सिस्टम वहां पर रखा गया है, वहां पर आप जाएंगे आपका कॉइन क्लेम हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आता है KYC को लेकर के, और KYC का हम जरूर यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे, उसके बाद ही आगे जो बाई बैक और यहाँ पे बर्निंग का सिस्टम है वो आपके सामने रखेंगे। आई स्टिल हैव नॉट रिसीव माई KYC, माई ऐप अपडेटेड ऑलरेडी सक्सेसफुल। देखिए बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे अपडेट हो गया है, लेकिन आप सभी को यहाँ पे KYC नहीं मिला है, तो आप यहाँ पे वेट कीजिए। यहाँ पे पाई जैसा सिस्टम नहीं रखा गया है कि हम फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4 में आपको KYC प्रोवाइड करते चलेंगे। लेकिन पाई की कम्युनिटी भी काफी बड़ी है, लेकिन इनकी कम्युनिटी छोटी है, लेकिन इनकी तरफ से रैंडमली यहाँ पे KYC सेंड किया जा रहा है। जैसे जैसे स्लॉट यहाँ पे भर रहे हैं, वो स्लॉट तुरंत यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अगले पर्सन को यहाँ पे सेंड किए जा रहे हैं, यानी आप देखेंगे तो लगभग 50% से ऊपर यूजर्स का यहाँ पे KYC हो चुका है। अब आप पाई की बात करते हैं, तो पाई में ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा, वहां पे अभी भी 50% से ऊपर यूजर्स का KYC नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे 50% से ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट KYC हो चुका है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आप देख सकते हैं एक न्यू रोड मैप यहाँ पे सेंड किया गया है ओमेगा की तरफ से, लेकिन हम इससे पहले एक बार जो यहाँ पे प्री सेल चल रहा है उस पर बात करना चाहेंगे। तो लगभग 25 से 30% के बीच में इनका जो प्री सेल रखा गया है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन दिन बचा हुआ है एक, अभी बकाया आप देखेंगे 70% के समथिंग यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसके कंपेरिजन में अगर आप देखते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ये होता तो ज्यादा बाई हो सकता था। दूसरा, यहाँ पे USDT को सपोर्ट नहीं दिया गया है, USDC को सपोर्ट ऑनली दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम्स है। इसका इफेक्ट सीधा सीधा प्राइस पे पड़ेगा स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि लगभग 3,38,000 USDT का ये यहाँ पे जो इनका है सिस्टम रखा गया था, लेकिन वहाँ पे वो पूरा फुली यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसका यहाँ पे प्राइस पे इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक है। अब आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टायर 1 टायर 2 है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, उसका अपडेट यहाँ पे दिया गया है, और क्या बताया गया वो आप देखिए। लिस्ट OMN, यानी जो OMN कॉइन है वो यहाँ पे हम टायर 1 और टायर 2 में सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इनका बाई बैक, यानी कॉइन जो है इनकी तरफ से अभी बाई किया जाएगा। मार्केट में मान के चलिए 1 बिलियन भी सप्लाई इनकी नहीं है, और अगर मार्केट में अभी जब ये यहाँ पे लॉन्च होता है और 10 मिलियन अगर कॉइन आ जाता है, तो इनकी तरफ से 2 मिलियन 3 मिलियन या इसके हिसाब से यहाँ पे बाई बैक कर लिया जाएगा, और जो प्राइस होगा वो 10 से 20% तक यहाँ पे जंप देखने को मिलेगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 0.04 जो प्राइस चल रहा है, हमेशा कोई भी कॉइन हो अगर उसका प्री सेल 0.04 पे है, तो उसका आप देखेंगे जो मार्केट में होता है वो 0.08 के समथिंग यहाँ पे पहुंचेगा, यानी डबल तो आपको देखने को मिल ही जाता है। अब आते हैं इसके कॉइन के जो आगे का यहाँ पे बाई बैक का सिस्टम रखा गया है, तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा जो यहाँ पे Q1 है 2024 का और Q2 है 2024 का। वहीं अगर आप 4th quarter की बात करते हैं 2023 की, तो NFT मार्केट में इनका यहाँ पे एंट्री के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट दिया गया है, लॉन्च ओमेगा NFT मार्केट प्लेस। NFT में आप सभी को और कॉइन को क्या प्रॉफिट होगा वो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे। मान के चलिए NFT मार्केट में 1 मिलियन कॉइन यहाँ पे एंटर किया जाता है ओमेगा कॉइन, और उससे यहाँ पे चलता है बाई, ठीक है, जो NFT वगैरह है वो आप पे बाई चलते हैं, तो वहां पे 1 मिलियन कॉइन मार्केट से गया है, और मार्केट से गया है तो वो कॉइन अब यहाँ पे काफी समय में रिटर्न आएगा, तो यहाँ पे जो प्राइस है उस पर इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक होता है, यानी प्राइस में आपको फिर से जंप देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब आते हैं कुछ और जो यहाँ पे
डिसेंट्रलाइज आईडी वगैरह सिस्टम बताए गए हैं उनका क्या है, आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा क्वार्टर फर्स्ट जो यहाँ पे 2024 का है। तो ये दो क्वार्टर्स आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे ये खुद का यहाँ पे जो ओमेगा स्वैप है वो इनका लॉन्च हो चुका है, आप उसका देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट नेट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया उसके हिसाब से आप देखेंगे लॉन्च फॉर मेटावर्स इवेंट। अब मेटावर्स इवेंट की बात करते हैं तो ओमेगा कॉइन क्योंकि जेन्युइन है तो मेटावर्स में ये एंटर करेंगे और मेटावर्स में अभी आप देखेंगे काफी सारी जो यहाँ पे कंपनियां हैं काम कर रही हैं। वहीं अगर फेसबुक की बात करते हैं क्योंकि फेसबुक सबसे बड़ा कंपनी है मेटावर्स में और इनकी तरफ से जो यहाँ पे एंट्री ली गई है, यहाँ पे सिचुएशंस चल रही है मार्केट में कॉइन की, तो यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल रहे हैं मेटावर्स कॉइन में, लेकिन इनकी अगर एंट्री होती है तो ये न्यू है, कुछ यहाँ पे जंप वगैरह देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बाईबैक का और जो बर्न का ऑप्शन रखा गया है, अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं जैसे आपका कोर है, कोर में यहाँ पे बाईबैक का प्रोसेस नहीं रखा गया है, बर्निंग का जरूर प्रोसेस रखा गया है, यानी वहां पे ट्रांजेक्शन के हिसाब से कॉइन बर्न होता है। यहाँ पे क्या होगा कि इनकी तरफ से खुद की तरफ से यहाँ पे बाई किया जाएगा कॉइन और उसके बाद उस कॉइन को यहाँ पे बर्न किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे जनवरी से लेकर के आप देखेंगे मार्च अप्रैल जून जुलाई तक का ये जो सिस्टम है इसमें एक्सपेंशन न्यू मार्केट ओमेगा लॉन्च पैड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुद डेवलप किया जाएगा। ओमेगा गेमिंग प्लेटफॉर्म रिलीज फ्री टू प्ले गेम्स। अब यहाँ पे कुछ सिस्टम रखा गया है एप्लीकेशंस का, जो एप्लीकेशंस डेवलप वगैरह किए जाएंगे यानी गेमिंग एप्लीकेशंस जो डेवलप किए जाएंगे उसका भी सिस्टम है, और उसके बाद में बाई बैक एंड बर्न का सिस्टम रखा गया है। अब बाई बैक एंड बर्न जिस भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे होता है उसका यहाँ पे एक मजबूत सिस्टम रहता है क्योंकि उनको दिखता है कि अगर हमारा यहाँ पे प्राइस घट रहा है तो वो बाईबैक करके वहां पे बर्न कर देते हैं कॉइन को, मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है प्राइस में। अब लास्ट जो क्वार्टर रखा गया है वो थर्ड क्वार्टर है और इसमें आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या बताया गया है। पार्टनरशिप बताई गई है, एक्सपेंशन फॉर पार्टनरशिप विद द सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उनके साथ पार्टनरशिप की जाएगी। उसके बाद ओमेगा पे सिस्टम, पे सिस्टम अगर आप देखेंगे तो वही स्कैन एंड पे वाला सिस्टम आपको देखने को मिल सकता है एक तरीके से कॉइन का, यहाँ पे और मजबूती के साथ यहाँ पे टेस्ट वगैरह जो हो रहा है उसके बाद ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर आपके कोई डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे डी वोटिंग का भी सिस्टम रखा गया है तो वो आगे देखने को मिलेगा क्योंकि अभी काफी समय है। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो छोटा भाई समझ के माफ कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, किसी अदर टॉपिक पे फिर भी आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।